अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आज हम देखेंगे और जानेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं। देखिए, फ्रैक्शंस के टाइप्स को जानने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। वैसे अब हमारा फ्रैक्शन खत्म होने वाला है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है कि फ्रैक्शन होता क्या है। अभी भी मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ फ्रैक्शन होता क्या है, तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो एक बार हम फ्रैक्शन की मीनिंग या डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके टाइप्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, फ्रैक्शन, वी विल अंडरस्टैंड फ्रैक्शन थ्रू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। हम एग्जाम्पल के थ्रू फ्रैक्शन को समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। देखो, यहाँ पर दिस इज अ होल पिज्जा, यहाँ पर मैंने एक पिज्जा बनाया है। होल पिज्जा मीन्स एक पूरा कंप्लीट पिज्जा, ठीक है, जिसके अभी तक कुछ भी पार्ट्स नहीं हुए हैं, ठीक है, थीके? एक कंप्लीट पिज्जा है, ठीक है, होल पिज्जा, ओके, वन। अब उसको हमने, नाउ वी डिवाइड दिस पिज्जा इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब इस पिज्जा को, इसी पिज्जा को हमने 8 पार्ट में क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना, देखो यहाँ पे लेट्स काउंट, 8 पार्ट है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसी पिज्जा को, होल पिज्जा को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ थर्ड पिक्चर में क्या दिख रहा है, 8 इक्वल पार्ट्स में से 2 जो स्लाइस है, ठीक है, पिज्जा के स्लाइसेस होते हैं या पार्ट्स होते हैं, उसको हमने क्या कर लिया, खा लिया, दे दिया या सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने तो एक पिज्जा, होल पिज्जा के 8 पार्ट्स में से मैंने 2 पार्ट्स को यूज कर लिया, खा लिया। अब मैं उसको लिखूंगी कैसे, यस, मैक्सिमम कैसे लिखेंगे उसको, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। टोटल 8 पार्ट में से, पिज्जा के टोटल 8 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हमने क्या कर लिए, खा लिए। इस तरह से जब हम लिखते हैं नंबर्स को, तो इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शंस या फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर में 2 नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक नंबर को लाइन के ऊपर लिखा जाता है, दूसरे नंबर को लाइन के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन को 2 नंबरों के साथ लिखा जाता है, जिसे सेपरेट किया जाता है बीच में लाइन खींचकर, ठीक है। एक नंबर टॉप में लिखा जाता है, लाइन के टॉप में, दूसरा नंबर लिखा जाता है लाइन के बॉटम में या नीचे लिखा जाता है, ठीक है। जब इस तरह से लिखा जाता है, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। फ्रैक्शन में किसी भी पार्ट्स को शो करने के लिए जब कोई नंबर लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। चलो, ओके, अब इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट्स ऑफ अ होल, किसी भी एक होल या कंप्लीट का के पार्ट्स को हम जब हम शो रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबरों के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, सेम फ्रैक्शनल नंबर मैंने यहाँ पर लिया 2/8, अब इसको रीड कैसे कहते हैं, 2/8, ठीक है। अब फ्रैक्शन नंबर को कैसे रीड करेंगे, 2/8, 1/8, बहुत सारे हो सकते हैं ना, हमने बस एक एग्जांपल लिया, ठीक है, 2/8। जो लाइन के ऊपर में जो नंबर लिखा रहता है, ठीक है, जो ऊपर में, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, और उसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पर एन लिख दिया, ठीक है। और लाइन के जो नंबर लाइन के नीचे लिखा जाता है, उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, शॉर्ट में आप लिख सकते हो डी, क्लियर। अब हमको न्यूमरेटर क्या बताता है, न्यूमरेटर से हमको क्या पता चलता है, न्यूमरेटर पार्ट्स ऑफ द होल, न्यूमरेटर से हमको ये पता चलता है कि हमने टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स को हमने लिया है, यूज किया, या कितने पार्ट्स शेडेड है या अनशेडेड है, ठीक है, वो हमको पता चलता है पार्ट्स ऑफ द होल, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से क्या पता चलता है, डिनोमिनेटर से हमको पता चलता है टोटल इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल, कि वो होल मीन्स पूरा, एक कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है उसके टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 8 है ना, पूरे 8 टोटल इक्वल पार्ट्स हैं, और उसमें से कितने पार्ट्स हैं, हमने इसको सेपरेट कर दिया, निकाल लिया या यूज कर लिया, खा लिया, 2 पार्ट्स, ठीक है। तो न्यूमरेटर से पता चलता है पार्ट्स ऑफ द होल, और डिनोमिनेटर से पता चलता है टोटल इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है।
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ओके सो फर्स्ट इज लाइट फ्रैक्शन. लाइट फ्रैक्शन, लाइट फ्रैक्शन वैसे भी ऑलरेडी आप लोगों ने कर चुके हैं, ठीक है. एक बार फिर इसको समझ लो, लाइट फ्रैक्शन होते क्या है. फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द लाइट फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं. हियर वी हैव सम एग्जांपल. देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल है. देखो यहाँ पे लिखा है 1/6, 5/6, 4/6 एंड 2/6. यहाँ पर फ्रैक्शन का ग्रुप दिया हुआ है जिसमें आप देखोगे जो भी डिनोमिनेटर्स है पूरे सेम है. 6, 6, 6, 6, ठीक है. सबके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है. इट मीन्स ये कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है. वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, सेम नंबर होता है, उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. ओके नाउ सेकंड इज अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. वो फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, मीन्स अलग अलग होते हैं. अभी लाइक फ्रैक्शन में क्या था, सेम था, ठीक है. अनलाइक में डिफरेंट होते, मीन्स सेम नहीं होते, जस्ट उसका ऑपोजिट. हियर वी हैव सम एग्जांपल, 5/4, 7/8, 6/11, 5/7. देखो इसके डिनोमिनेटर, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर्स को देखना है, ठीक है. डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, मीन्स लाइक फ्रैक्शन. ओके यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं. 4, 8, 11, 7 आ रहा है, तो ये सेम है, नहीं ये डिफरेंट है. इट मीन्स ये किस टाइप के फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके नाउ सी द नेक्स्ट यूनिट फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शंस ओके क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर. न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पर ध्यान देना, न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस. वो फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाले जो लाइन के ऊपर में टॉप में नंबर लिखे जाते हैं, जिसके न्यूमरेटर सिर्फ 1 होते हैं, ठीक है. 1 के अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ ओनली 1 होता है, उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन. हियर वी हैव सम एग्जांपल, 1/1, 1/2, 1/7, 1/10, 1/16. देखो यहाँ पर न्यूमरेटर, देखो हर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, 1 है, ठीक है. इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शंस. ओके ओके नाउ वी विल सी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शंस. वो उस टाइप के फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, कम होता है, किससे, उसके डिनोमिनेटर से, मीन्स ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, ठीक है, स्मॉलर होगा, और नीचे वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा, मीन्स बड़ा होगा, ठीक है. वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, लेस देन होता है, मीन्स छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. देखो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है, स्मॉल है, और डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, ठीक है. यहाँ भी 5 स्मॉलर है, ऊपर वाला का छोटा है, नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरे न्यूमरेटर क्या है, स्मॉल है उनके डिनोमिनेटर से, ठीक है. जिसकी जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर बड़े होते हैं और न्यूमरेटर छोटे होते हैं, उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन. मीन्स यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, न्यूमरेटर आपका छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है. ठीक, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. जस्ट उसका उल्टा, प्रॉपर का उल्टा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. A fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called an improper fraction. Just write a improper fraction में क्या होता है? Numerator बड़ा होता है या equal होता है? किससे? Denominator से. देखो यहाँ पे numerator बड़ा है, 5 है, और denominator क्या है? 4 है, छोटा है.
देखो ऊपर में पूरे बड़े बड़े नंबर है, ठीक है, सेवन ग्रेटर है फाइव से, एट इक्वल है नाइन ग्रेटर है थ्री से, इलेवन ग्रेटर है सिक्स से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पे ध्यान दो, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा ठीक है या इक्वल होगा किससे, डिनोमिनेटर से, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से या क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जाएगा, क्लियर। देन लास्ट कौन से टाइप के होते हैं फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, चलो देखते हैं। फ्रैक्शंस हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स है। मिक्स में आपको इतना लोगों को दिमाग में क्लिक करता है कि मिक्स है मतलब कुछ ना कुछ दो लोग दो चीजों का मिक्स हो गई है ना। तो जो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो उस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं जिसका जो दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन से दो नंबर का, एक तो होल नंबर, होल नंबर मतलब एक कंप्लीट नंबर, होल का मीनिंग होता है एक पूरा कंप्लीट, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन के साथ बनता है जो फ्रैक्शन उसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो हियर वी हैव सम एग्जांपल, 2 11 by 12 2 3 by 7 6 5 by 10 4 3 by 9। देखो यहाँ 2 क्या है, यहाँ 2 है होल नंबर, होल नंबर है ठीक है, होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर है, और ये क्या है दूसरा क्या है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो हमने यहाँ पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है। देखो जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे देखो स्मॉल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, यहाँ पे स्मॉल है डिनोमिनेटर, ठीक है, यहाँ पर भी सेम ऐसी। तो ये जो दो नंबर मतलब मीन्स होल नंबर और प्रॉपर नंबर के होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से जो फ्रैक्शन बनता है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके समझ में आया आपको, सो स्टूडेंट यू पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन ओनली टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है उसको आपको अपनी कॉपी में मैसी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके आप वीडियो को पॉज करिए और इसको जितने भी 6 टाइप के फ्रैक्शंस मैंने बताया उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए।